आईपीएल के लिए सभी टीम्स ने कमर कस ली है और प्रैक्टिस कैंप के चलते अपनी रणनीतियों पर काम भी कर रही हैं। आईपीएल यूएई में 19 सितंबर से शुरू होने वाला है और खिताबी मुकाबला 10 नवंबर को होगा। अभी तक आईपीएल का पूरा स्केड्यूल सामने नहीं आया, लेकिन विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। विराट कोहली की आरसीबी इस बार किसी मास्टर प्लान के साथ यूएई में होने वाले आईपीएल में अपने अभियान का आगाज करने वाली है। विराट कोहली एंड कंपनी लगातार प्रैक्टिस कर रही है। विराट कोहली खुद नए नए शॉट्स को नेट्स पर लगा रहे हैं, जिससे दुबई के मैदानों पर उनको रन बनाने में मदद मिले। अब सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट हुई है, जिससे लग रहा है कि विराट कोहली आईपीएल के लिए मन बना चुके हैं कि वो किस प्लेइंग 11 के साथ खेलने वाले हैं। आईपीएल के लिए इस बार सिर्फ 24 खिलाड़ियों को टीम में रखने की इजाजत थी। विराट कोहली की आरसीबी में 8 खिलाड़ी विदेशी हैं, जबकि 16 भारतीय खिलाड़ी। आरसीबी की जो प्रैक्टिस करते हुए सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट हुई है, उसमें दिग्गज क्रिकेटर एबी डिविलियर्स कीपिंग ग्लव्स पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे लग रहा है कि इस बार एबी डिविलियर्स विकेट के पीछे अपनी सेवाएं दे सकते हैं। एबी एक अच्छे फील्डर के साथ एक बेहतरीन विकेट कीपर भी हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए भी कीपिंग की है और अब शायद विराट कोहली अपनी टीम को मजबूत करने के लिए डिविलियर्स को विकेट कीपर के तौर पर उतार सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो टीम के दूसरे विकेट कीपर पार्थिव पटेल को इस बार खेलने का कम मौका मिल सकता है। पार्थिव बतौर विकेटकीपर इस टीम में शामिल हैं और कुछ साल से रेड आर्मी के लिए खेल रहे हैं। विराट अगर एबी डिविलियर्स को प्लेइंग 11 में विकेटकीपर के लिए रखते हैं तो टीम का संभावित कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से हो सकता है। विराट कोहली, अरॉन फिंच, एबी डिविलियर्स और गुरकीरत मान को टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी मिल सकती है। मिडल ऑर्डर में शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर के साथ ऑलराउंडर मोइन अली या क्रिस मोरिस में से किसी एक को जगह मिल सकती है। इसके अलावा गेंदबाजी की कमांड युजवेंद्र चहल, अफ्रीकी गेंदबाज डेल स्टेन, उमेश यादव और नवदीप सैनी के हाथों में होने की संभावना है। विराट कोहली विदेशी खिलाड़ियों को रोटेशन में प्लेइंग 11 में मौका दे सकते हैं। इस टीम कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो पार्थिव पटेल की जगह कहीं फिट होती दिखाई नहीं दे रही। आपको बता दें कि आईपीएल में पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज होगी, उसके बाद टीम के खिलाड़ी आईपीएल के लिए जुड़ेंगे। अगर टीम के मैच पहले होते हैं तो जाहिर सी बात है कि भारतीय खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। इस बार कोहली की कोशिश होगी कि वो आईपीएल का खिताब जीते और अपने हार के सिलसिले पर ब्रेक लगाएं। आरसीबी ने एक बार भी इंडियन प्रीमियर लीग का टाइटल नहीं जीता है। साल 2016 में टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें हरा दिया था। खैर, अब देखना होगा कि क्या रन मशीन कोहली जीत के लिए किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरते हैं।